क्वेश्चन 5, पोलन ग्रेन्स आर शेड इन टू सेल स्टेज इन. अब हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी ग्रेटर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन शेड हो रहा है वो दो सेल स्टेज में हो रहा है, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल. लेकिन कुछ बाकी के जो हैं लेस देन 60, यानी हम बात करें 40% या उससे कम वालों में, तो उनमें क्या कंडीशन है कि जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाएगा और दो मेल गेमिट्स बना देगा. तो उस कंडीशन में वो कौन सी हो जाएगी? थ्री सेल स्टेज हो जाएगी. तो इन ग्रेटर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, दो कंडीशंस की बात करेंगे. इन ग्रेटर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल स्टेज. तो जो पोलन ग्रेन्स हैं, दीज पोलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल स्टेज, शेड एट टू सेल्ड स्टेज. और वो दो सेल स्टेज में कौन सी दो सेल्स हैं? एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव. तो एक हो जाएगी वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी क्या हो जाएगी? जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल. लेकिन अगर हम बात करें बाकी के एंजियोस्पर्म्स में रिमेनिंग क्या हो गए, लेस देन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाएगा. सो इन लेस देन 40% एंजियोस्पर्म जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड्स बाय माइटोसिस. तो जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड उससे दो मेल गेमिट्स तैयार हो जाएंगे, दो मेल गेमिट्स. तो इस तरफ से तो एक तो ये जनरेटिव सेल डिवाइड होके दो मेल गेमिट्स बना रहा है, एंड उसी के साथ साथ हम बात करते हैं और क्या प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है आपका वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल. तो इस तरीके से यहाँ पर दो कंडीशंस तैयार हो गई है, एक जहाँ पर यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल, ये क्या कहलाएगी? टू सेल स्टेज. एंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या है, दो मेल गेमिट्स हैं और एक वेजिटेटिव सेल है. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलेंगे थ्री सेल्ड स्टेज, थ्री सेल्ड स्टेज ऑफ एंजियोस्पर्म. तो अगर हम फिर से क्वेश्चन की तरफ आएँ, पोलन ग्रेन्स आर शेड इन द टू सेल स्टेज इन, ग्रेटर देन 90% नहीं है, लेस देन 50% भी नहीं है, ग्रेटर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लेस देन 40 में तो क्या जा रहा है? थ्री सेल स्टेज. सो लेस देन 40 में क्या जा रहा है? थ्री सेल स्टेज. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू सेल का ऑप्शन सी.